त्रिपाठी जी, आप लोग संतुष्ट हैं या नहीं? अभिषेक, पूरी तरह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हो सकते। दरअसल इस तरह की सरकार लीपापोती कर रही है इतनी बड़ी घटना पर। मैं तो कहता हूं कि प्रदेश में आज सरकार नाम की चीज ही नहीं है। पूरी तरह से सिस्टम बेलगाम हो चुका है। इतनी बड़ी दुर्घटना पर जिस तरह की बेहयाई आ रही है, को ये लगता है जनता ने इतना स्पष्ट हुक्म दे रखा है उस पे कोई, अरे कुछ मंत्रियों की भी जिम्मेदारी है, मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि आपने सिर्फ तीन चार को थानाध्यक्ष को सीईओ को और एसडीएम को सस्पेंड कर दिया और आपकी कार्रवाई हो गई। आप उन परिवारों से जाके पूछिए जो उजड़े हैं, आखिर ये सरकार कहां सो रही थी तब? इतनी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। अभी बरेली में गैंगवार हुआ, लगातार गोली चलती रही, उसके बाद क्या हुआ? प्रदेश में कोई तो जिम्मेदारी लेने वाला होना चाहिए। आपने अपनी एसआईटी बना दी, 900 पन्नों की नहीं, आप 9000 पन्नों की रिपोर्ट जमा करा दीजिए। उस रिपोर्ट से क्या जिनके घर से जो लोग चले गए हैं वो वापस लौट आएंगे? आपका क्या प्लान एक्शन है? आप कैसे इन घटनाओं को आगे देखते? कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री जी अपनी कार्यप्रणाली में व्यस्त है, प्रदेश के सारे मंत्री अपनी कार्यप्रणाली में व्यस्त हैं। इस समय तो होड़ लगी हुई है कि कौन नया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बन जाए, इस तरह की खबरों में ही सब व्यस्त हैं। स्वास्थ्य की क्या स्थिति है? मैं सिर्फ इसी की बात नहीं करता, आज उत्तर प्रदेश के 75 में से 35 से ज्यादा जिले बाढ़ से डूबे हुए हैं। सरकार उधर भी कुछ नहीं कर रही, हर जगह सरकार फेल है, कानून का राज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में फेल है। और इस तरह से लोग बयान जारी करते रहे, सरकार की कार्यवाही चलती रहे और उसके बाद इस तरह की चीजें निकल के आती रहे। आप उन परिवारों से जाके पूछिए, उनका दर्द देखिए और तब देखिए कि ये एसआईटी की रिपोर्ट सिर्फ कागज का पुलिंदा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ये रद्दी में ही आगे बिकने वाली है। 900 पन्ने तो कम बनाए साहब, 9000 पन्ने खर्च करिए इस पे। एक पन्ने का जो काम है वो आप कर नहीं पा रहे हैं कि जिम्मेदारी तय करिए कि किसकी जिम्मेदारी थी ये। क्या मुख्यमंत्री को इसके आधार पर इस्तीफा नहीं देना चाहिए कि इतने परिवार उजड़ गए, आपको कोई खबर नहीं थी? इतनी बेहयाई है इस सरकार की। और उसके बाद एसआईटी की रिपोर्ट एक सप्ताह बाद देने के बाद आप कहिए कि हमारे तो सारे पाप धुल गए हैं। अरे देश में राजनीति में कुछ तो नैतिकता रखिए साहब, किसी को तो देखिए कि ये कहां से हो रहा है। ठीक है।